दिन पप्पू को अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर लड़की थी जो बोली, हेलो आप कुंवारे हैं? पप्पू, हाँ लेकिन आप कौन बोल रही हैं? लड़की, मैं तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ, आज घर आना तो बताऊंगी। थोड़ी देर बाद पप्पू को फिर एक अनजाने नंबर से फोन आया। फिर से एक लड़की ही थी जो बोली, क्या आप शादीशुदा हैं? पप्पू, हाँ लेकिन तुम कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। पप्पू, सॉरी बेबी, मुझे लगा मेरी बीवी है। लड़की, बीवी ही हूँ, आज बस तुम घर आओ फिर बताती हूँ। एक बार एक कुवारा लड़का मर गया। माँ रो रो के, हे भगवान, इसने तो अभी जवानी भी नहीं देखी थी। पड़ोस की भाभी रोते हुए बोली, मत रो चाची, मैंने दिखा दी थी। उसके बिना कैसे काम कर सकता? ये आप सीधे मिलाने की बात नहीं करते ना। शादी के बाद पत्नी कैसे बदलती है, जरा गौर कीजिए। पहले साल मैंने कहा, जी खाना खा लीजिए, काफी देर से आपने कुछ नहीं खाया। दूसरे साल, जी खाना तैयार है, लगा दूं क्या? तीसरे साल, खाना बन चुका है, जब खाना हो बता देना। चौथे साल, खाना बनाकर रख दिया है, मैं बाजार जा रही हूँ, खुद निकाल कर खा लेना। पांचवे साल, मैं कहती हूँ आज मुझसे खाना नहीं बनेगा, होटल से ले आओ। छठे साल, जब देखो खाना खाना और खाना, अभी सुबह ही तो खाया था, अब मुझे ही खा लो। शादी के बाद पति कैसे बदलते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। पहले साल, जानू संभल कर उधर गड्ढा है। दूसरे साल, अरे यार देख कर उधर गड्ढा है। तीसरे साल, दिखता नहीं क्या उधर गड्ढा है। चौथे साल, अंधी है क्या गड्ढा नहीं दिखता। पांचवे साल, अरे उधर कहाँ मरने जा रही है, गड्ढा तो इधर है। आंखों में नमी थी और विटामिन की कमी थी, वाह वाह, जिससे रात भर चैटिंग की, वो गर्लफ्रेंड की मम्मी थी। भिखारी भीख मांगने एक घर के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी। अंदर से एक 45 साल की महिला आई। भिखारी, माताजी भूखे को रोटी दो। महिला, शर्म नहीं आती, हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हो, दो हाथ हैं, दो आंख हैं, पैर हैं, फिर भी भीख मांगते हो। भिखारी, माताजी आप भी तो खूबसूरत हैं, गोरी चिट्टी हैं, गजब का फिगर है, और अभी आपकी उम्र ही क्या है, आप मुंबई जाकर हीरोइन क्यों नहीं बन जाती, घर पर बेकार बैठी हो। महिला, जरा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए हलवा पूरी लाती हूँ। भाई अशोक पाटिल ने बस कलर का फायदा उठा लिया। वो तो मेडिकल स्टोर पर इन लड़कियों का बस नहीं चलता, वरना सर दर्द की गोले मांगते हुए भी पूछ ले, भैया इसमें कोई और कलर दिखाना। लड़का फोन पे, हेलो तेरा लवर बोल रहा हूँ, मेरी चमक चलो। लड़की, तू चिंटू बोल रहा है क्या? लड़का, अरे वाह मेरा नाम इतनी जल्दी पहचान गई। लड़की, तेरे पापा का नाम बंसीलाल ही है ना? लड़का, हाँ बिल्कुल सही। लड़की, और तेरे दादा का नाम रामलाल है? लड़का, अरे लगता है तू तो मेरी दीवानी हो गई है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू। लड़की, अबे हरामजादे, मैं तेरी बहन बोल रही हूँ, गलती से घर का नंबर लगा दिया है तूने, तू घर आ फिर बताती हूँ तुझे। एक सुनसान सड़क पर एक आवारा लड़का लड़की को देखकर बोला, लड़का मेरे साथ चलोगी क्या? लड़की, कहाँ? लड़का, जहाँ तुम कहो। लड़की, अच्छा तो पुलिस स्टेशन चलते हैं। लड़का, लो बताओ, अब बंदा अपनी बहन से मजाक भी नहीं कर सकता। पत्नी, एक बात बतानी है लेकिन मुझे मारोगे तो नहीं? पति,
नहीं बोलो पत्नी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पति, यह तो अच्छी खबर है, इस बात पर क्यों तुम्हें मारूं। पत्नी, शादी से पहले पिताजी को बताया था तो बहुत मार पड़ी थी। इस उम्र 60 मेरा पोता है, 65 का प्यार पूरे। क्या बात है? एक बार एक आतंकवादी ने बुढ़िया के घर में बम रख दिया। लोग चिल्लाए, बुढ़िया बम है, बुढ़िया बम है। बुढ़िया शर्मा कर बोली, दत्त तेरी, वो तो मैं जवानी में थी। अगर जना हो तो बहुत अधूरा सा है, एक भी मुकम्मल या बारजू नहीं होती। लड़के वाले, हमको लड़की पसंद है, शादी कब करनी है। लड़की वाले, कुछ रुक जाते हैं, अभी तो लड़की पढ़ रही है। लड़के वाले, तो हमारा लड़का कौन सा बच्चा है जो किताबें फाड़ देगा। गजल कहती हूँ और कहती हूँ, इश्क मान लेती तुम्हारी, आखिरी वक्त है, हरा तो नहीं। मंगू भिखारी, बाबूजी एक रुपए का सवाल है, बस एक रुपए दे दो। सज्जन सिंह, हट्टे कट्टे दिख रहे हो, भला चंगे हो, कोई काम धंधा करो, एक रुपए क्यों मांग रहे हो। मंगू भिखारी, बाबूजी गरीब आदमी हूँ, अब आपकी बहन का हाथ तो भाग नहीं सकता। एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने अकेले में उसके घर पर पहुंचा। प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी कि अचानक नौकरानी आ गई। वो युवक तेजी से बाहर निकला, ठहरा और नौकरानी को 10 का नोट देते हुए बोला, प्लीज किसी को बताना मत। नौकरानी बोली, वैसे तो इस काम के दूसरों से मैं 100 रुपए लेती हूँ, पर तुम नए हो इसलिए 10 रुपए ही रख लेती हूँ। पर जेब हमेशा खाली रखना। वा, वा, वा। पत्नी ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए 102 पर कॉल किया। ऑपरेटर, आपको क्या समस्या है। पत्नी, मेरे पैर की उंगली कॉफी टेबल से टकरा गई है। ऑपरेटर हंसते हुए, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हैं। पत्नी, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे पति के लिए है, उसे हंसना नहीं चाहिए था। पीने पिलाने की बात हो रही है। एक आदमी अपने दोस्त से, इतने उदास क्यों हो। आदमी, पत्नी से झगड़ा हुआ था, उसने कहा कि वो मुझसे 30 दिन तक बात नहीं करेगी। दोस्त, तो फिर इतने उदास क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आदमी, आज आखिरी दिन है ना, इसीलिए। एक बहुत मोटी औरत अपने पलंग पर सोई हुई थी कि अचानक एकाएक भूचाल आ गया और वो पलंग से नीचे गिर गई। करीब ही उसका पति सोया हुआ था, उसकी भी आंख खुल गई। क्या हुआ भगवान, वह फर्श पर नीचे गिरी पड़ी पत्नी से बोला, भूचाल से तुम गिरी हो, यह तुम्हारे गिरने से भूचाल आया है। छह माह बाद भी अपनी बीवी के कब्र पर रोते हुए और पंखा झोलते हुए मौलवी को देखकर एक शख्स कह उठा, या अल्लाह इतनी मोहब्बत। मौलवी और जोर से गिड़गिड़ाते हुए और पंखा झोलते हुए बोला, मरने वाली कह गई थी, मेरी कब्र की मिट्टी सूखने के बाद ही दूसरा निकाह करना, पता नहीं कौन कमबख्त 2 बाल्टी पानी डाल जाता है। बस कलर का फायदा उठा लिया। बस के गेट पर लटके हुए मुसाफिरों से कंडक्टर ने कहा, भाइयों अंदर हो जाओ, इस तरह गेट पर लटकना आपकी जान के लिए खतरनाक है। लेकिन जब कोई भी अंदर ना हुआ तो कंडक्टर गुस्से में बोला, तुम्हें तुम्हारी पत्नी की कसम, अंदर हो जाओ। इतना सुनते ही जो मुसाफिर सीटों पर बैठे थे वो भी गेट पर आकर लटक गए। शेरों के यहाँ शादी थी, तगड़ा वाला डांस चल रहा था। डांस में एक कुत्ता भी मस्त होकर नाच रहा था। अचानक एक शेर की निगाह उस पर पड़ी तो उसने पूछा कि तुम शेरे की शादी में कैसे। कुत्ता नाचते हुए बोला, भाई शादी से पहले हम भी शेर हुआ करते थे। मैं उसके लिए तुम्हें बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।
एक बार एक शादीशुदा जोड़ा किसी के यहाँ मेहमान बनकर आया। दोनों मियाँ बीवी ने बढ़ चढ़कर उनका स्वागत किया। चार पांच दिन बाद वो चले गए। पत्नी ने पति से पूछा, क्यों जी, वे तुम्हारे कौन से रिश्तेदार थे? इतना सुनते ही पति बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने कहा, मैं तो समझ रहा था कि वे तुम्हारे रिश्तेदार हैं। पति पत्नी से बोला, आज सुबह ना मालूम किसका मुंह देखकर उठा था कि दिन का खाना नसीब नहीं हुआ। पत्नी बोली, मेरी मानो, बेडरूम में लगे आईने को हटा दो वरना रोजाना यही शिकायत रहेगी। दो दोस्त आपस में बातचीत करते हुए। पहला दोस्त, तुम्हें कैसे पता चला कि आने वाले पति पत्नी हैं या प्रेमी प्रेमिका? दूसरा दोस्त, जो चुपचाप खरीदारी करे वो प्रेमी प्रेमिका है, और केवल मोल तोल करते हुए झगड़े में पति पत्नी। पति महाशय सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठ गए। उनकी एक महिला मित्र ने सैंडविच का फोटो अपलोड करके लिखा, आओ सब नाश्ता करें। पति ने खुश होकर कमेंट किया, बहुत बढ़िया नाश्ता था, मजा आ गया। यह कमेंट पत्नी ने देख लिया, फिर क्या, पति महाशय को नाश्ता नहीं दिया। और चार घंटे बाद पत्नी ने पति से पूछा, खाना बनाऊं या आप लंच भी फेसबुक पर ही करोगे? बहू, माजी ये अभी तक नहीं आए, कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है इनका? माजी, अरे कमबख्त, तू तो हमेशा गलत ही सोती है, हो सकता है कि किसी ट्रक के नीचे आ गया हो। आखिरी वक्त